to show that Newton's second law is real law of motion, या to show that Newton's second law is universal law. तो Newton के तीन laws हैं, first, second and third. Second law सबसे बड़ा है और ये real असली law यही है. इसको prove करना है. इसको prove कैसे करना है? हम पहले ये prove करेंगे कि Newton का जो first law है is contained in second law. तो second law से मैं first law निकाल दूंगा. और वैसे ही न्यूटन का थर्ड लॉ इज कंटेंड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ में थर्ड लॉ भी निकाल दूंगा. तो इसका मतलब सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ भी है और थर्ड लॉ भी है, तो ये यूनिवर्सल या रियल लॉ है. तो इसको करने के लिए दो केस बनेंगे. पहला ऐसे लिखना है आपने पेपर के अंदर भी, फर्स्ट लॉ इज कंटेंड इन सेकेंड लॉ. पहले प्रूव करते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो सेकेंड लॉ में कंटेंट है. कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सलेशन. प्लीज वेक्टर में लिखना, फोर्स इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर. ऐसे मत, ऐसे लिखना, एफ इक्वल में मत लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिखना. एफ वेक्टर इज एम इनटू ए वेक्टर. पहला स्टेप क्लियर. अगर मान लो ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करती, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो ऑब्वियसली मास तो जीरो होगा नहीं. इसको जीरो करेंगे तो ए वेक्टर क्या होगा? जीरो. एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब है. पहला मतलब, या तो बॉडी किस पे है? एट रेस्ट. तो या तो बॉडी किस पे है? रेस्ट पे. या वो मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. और न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता है कि इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो आइदर बॉडी रिमेनिंग एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, अगर उसके ऊपर क्या नहीं एक्ट कर रही कोई फोर्स. तो हो गया प्रूफ, फर्स्ट लॉ क्लियर है. अब प्रूफ करते हैं, थर्ड लॉ इज कंटेंड इन सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ कंटेंड इन सेकेंड लॉ करने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी सबसे पहले, और वो क्या है? व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले ये समझते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है क्या, क्योंकि ये प्रूफ करने के लिए लाइन पहले यही लिखनी पड़ेगी, कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है. अब इसका मतलब क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं आइसोलेटेड सिस्टम का. मेरा पहला एग्जांपल ध्यान से सुनना. मेरे पास दो बॉल्स हैं, दो बॉल्स को मैंने पकड़ा और मैं अपनी मर्जी से पास लेके आ रहा हूं. इसको 10 की स्पीड के साथ, इसको 20 की स्पीड, बीच में स्पीड कम ज्यादा भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी है. टक्कर करवाता हूं, टक्कर करवाई हाथ से पकड़ के, मेरी मर्जी है, मैं नहीं सेपरेट करता. अच्छा चलो मेरी मर्जी है, एक को वहां फेंकता हूं, एक को नहीं फेंकता, जेब में डाल लेता हूं, मेरी मर्जी है. तो मैं कॉन्टिन्यूसली क्या लगा रहा हूं? बॉल्स पे एक्सटर्नल फोर्स. मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा हूं. अच्छा अब सेकंड केस, मैं बॉल्स को लेता हूं और नेचुरली फेंक देता हूं, ठीक है, जमीन पर फेंक देता हूं, एक इधर एक इधर, अपने आप नेचुरली वो अब फोर्स लगनी बंद हो गई. अब मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, एक बार वेलोसिटी देके छोड़ दिया, नो फोर्स इज एक्टिंग, बॉल्स आती हैं, टक्कर होती हैं, नेचुरली जहां जाना है सेपरेट हो जाती हैं, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें. तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स क्या रही? जीरो. तो बॉल्स का नेचुरली टक्कर खाना इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग. पॉइंट नंबर वन क्लियर है? ये एयर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है यहां तक. अच्छा और एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो मेरे पास एक गन है और मैं बुलेट चलाऊंगा, तो अगर मैं गोली चलाता हूं तो बुलेट आगे जाती है, गन कहां आएगी? पीछे. ऐसे होता है, नेचुरल फिनोमेना है ना, एक्शन रिएक्शन होना ही होना है. अच्छा चलो गोली चलाने का अंदाज चेंज करते हैं, ये रही गोली और ये रही गन. मैं अपने हाथ से गोली को निकालता हूं और यहां फेंक देता हूं. अच्छा चलो यहां नहीं, अपनी जेब में डाल लेता हूं, और गन को मैं नहीं फेंकता पीछे, मेरी मर्जी है यार. तो मैं कॉन्टिन्यूसली क्या लगा रहा हूं? फोर्स. तो ये तो बात ही नहीं बनेगी ना, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाता तो मेरे हिसाब से चलेगा नहीं, ऐसा नहीं. अगर मैं एक बुलेट चलाता हूं तो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, उस स्प्रिंग होता है उस पिस्टल के अंदर, तो खुलता है, तो एकदम बुलेट आगे जाता है और नेचुरल फिनोमेना है, वो रिएक्शन पीछे लगाएगा ही लगाएगा और गन पीछे आएगी आएगी. क्लियर है यहां तक? तो बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे आएगी, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? तो जब मैंने बुलेट को चलाया और गन नेचुरल फिनोमेना से पीछे आई, तो नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. क्लियर है यहां तक? अब अगला क्वेश्चन ये है
कि आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए. स्टूडेंट पूछता है कि यार मुझे कैसे पता लगेगा कि सिस्टम आइसोलेटेड है कि नहीं. ये तो बहुत मुश्किल है पता करना, क्योंकि चलो दो एग्जांपल मैंने दे दिए, तीसरे में पता नहीं आप सोच पाओ ना सोच पाओ, मालूम नहीं है. तो आइसोलेटेड सिस्टम कितने टाइप के हैं और कितने एग्जांपल हम करेंगे इस प्लस वन के अंदर, उसकी लिस्ट मैं आपको अभी इस टॉपिक के बाद बताऊंगा. और मैं और एग्जांपल दूंगा आइसोलेटेड सिस्टम के. जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपके पास एक बोट है, पानी की कोई फ्रिक्शन नहीं है. जब हम बोट के आगे जाते हैं, बोट कहाँ आती है, पीछे आती है. या स्केट्स ले लो, स्केट्स आप आगे जाते हो, स्केट पीछे आता है, एक्शन रिएक्शन होना ही होना है. अब मान लो मैं आगे जाता हूँ बोट के, कोई बाहर से बंदा खड़ा है बोट पकड़ के, वो भी बोट को आगे धक्का मारता है. अब ये तो उसकी मर्जी है ना, धक्का मारे रोक के रख ले बोट को, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है. लेकिन नेचुरल फिनोमेना क्या है कि जब मैं आगे जाता हूँ बोट पीछे आएगी आएगी, एक्शन के बदले में क्या मिलेगा, रिएक्शन. तो दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाता. तो नेचुरली एक्शन रिएक्शन लग रहा है, तो नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये ना धीरे धीरे आज के लेक्चर में आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर समझ में आ जाएगा व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम. शुरू में अजीब लगता है. अब आइसोलेटेड सिस्टम की कहानी कुछ ऐसी है कि अगर आपका कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो कोई एग्जाम्पल, जो मैंने एग्जाम्पल लिए सारे एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने आइसोलेटेड सिस्टम लिया, तो मान लो मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया. आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स क्या ऐड करती है, जीरो. ये रूल है इसका. तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या ऐड करेगी, जीरो. लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या, डीपी बाय डीटी, है ना, वेक्टर फॉर्म है, पी इज अ वेक्टर, एफ इज अ वेक्टर. तो आइसोलेटेड सिस्टम जहां लिख दिया वहां एफ क्या आएगा, जीरो. और पी की डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब पी मस्ट बी अ कॉन्स्टेंट. P कांस्टेंट होगा तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो. तो यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, जीरो, और उस सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट. कोई डाउट इसमें? तो याद रखना, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या ऐड करती है, जीरो, और जिसका नेट मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट. क्लियर है यहां तक? ठीक, डिटेल बाद में बताऊंगा. तो ये डेफिनेशन क्लियर है, बस इतने से काम चल जाएगा मेरा इस टॉपिक में. तो इसके अंदर थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ में. ये भी याद रखना, जब भी दो बॉल्स की टक्कर होती है, मैंने एग्जांपल दिया भी, जब दो बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं अपने आप नेचुरली, मतलब मैंने फोर्स नहीं लगानी है उसको, पकड़ के ही रखना बॉल्स को, इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो इसीलिए इसको प्रूव करने के लिए जो मैंने एग्जांपल लिया दो बॉल्स की कोलिजन का लिया, और क्योंकि मुझे पता था दो बॉल्स की कोलिजन कंसिडर की जाती है एज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो दो बॉल्स हैं, दोनों मूव कर रही हैं, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, बीच में इनकी टक्कर हो गई. जब इनकी कोलिजन होगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो कितनी फोर्स लगाएगा, वन बॉल पे फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई, एफ वन टू वेक्टर. और 2-1 का मतलब टू बॉल पे फोर्स लगी, किसने लगाई, वन पे लगाई, एफ टू वन वेक्टर. तो इस बॉल ने इसको फोर्स लगाई और इस बॉल ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, एफ वन टू वेक्टर, एफ टू वन वेक्टर, जिसको आप एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं. दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी लगाएंगी टक्कर के दौरान. अब पी वन वेक्टर क्या है, इस बॉल का मोमेंटम मान लो पी वन वेक्टर है, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल एम वन. उस बॉल का मोमेंटम कितना है, पी टू. पी टू वेक्टर लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल एम टू. F12 वेक्टर का मतलब क्या है, वन बॉल पे फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई. F21 का मतलब क्या है, टू बॉल पे फोर्स लगी, किसने लगाई, वन पे लगाई. अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, dv by dt. तो फॉर फर्स्ट बॉल, पहली बॉल के लिए, पहली बॉल का मतलब F1, 1-2. तो 1-2 का मतलब फर्स्ट बॉल, ये वन नंबर का मतलब पहली बॉल का की फोर्स है, ये पहली बॉल की जो फोर्स है d by dt ऑफ क्या होगा, P1 वेक्टर, क्योंकि पहली बॉल है, पहली बॉल का मोमेंटम.
और सेकंड बॉल के लिए F21 वेक्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड बॉल के लिए यहां पर क्या आएगा P2 वेक्टर। क्लियर है यहां तक? तो न्यूटन का लॉ लगा दिया दोनों बॉल्स के लिए, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर, d/dt कॉमन आ गया तो क्या बचेगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। क्लियर है यहां तक? अब क्योंकि ये बताओ सिस्टम क्या है, कंसिडर किया गया आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होता है कॉन्स्टेंट, ये रूल बनाया मैंने, आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या है कॉन्स्टेंट। तो ये नेट मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का, और अगर ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या है जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या आ गई जीरो। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन जीरो, तो राइट हैंड साइड जीरो, तो क्या आ गया F21 वेक्टर इधर चला गया, तो ये क्या है एक्शन, ये क्या है रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड नेगेटिव साइन मींस ऑपोजिट, और यही क्या है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। तो क्लियर है यहां तक? पहले फर्स्ट लॉ प्रूव करना है, फिर थर्ड लॉ प्रूव करना है, तो सेकेंड लॉ इज रियल लॉ।